हेलो गुड इवनिंग, हम आए हुए हैं बारसोई में आए हुए हैं और यहाँ से में कुछ बच्चे हैं, मैं उनसे बात करूँगा और उसके थाट्स जानते हैं कि क्या सोचते हैं वो देश के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो हम बात करेंगे। तो पढ़ाई क्या चीज़ होती है, कोई बताए पढ़ाई क्या चीज़ होती है? मतलब पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आए मैथ बनाया साइंस पढ़ा और चले गए, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है। पढ़ने का मतलब ये होता है अपने आप को मेमोराइज़ करना होता है। पढ़ने का मतलब क्या होता है? अपने आप को मेमोराइज़ करना होता है, अपने आप को, जैसे हमने जो चीज़ पढ़ा है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैथ का चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, पता है आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री, जैसे हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको क्या किया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है, फिर उसको सोचते हैं कि हम कैसे पढ़े, हम क्या क्या सीखे उसमें, ट्रिगोनोमेट्री में हमने क्या सीखा है ना, ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या सीखा, क्या सीख दिया मुझे, सोचना है अपने आप को। अगर जवाब मिल रही है, पॉजिटिव जवाब मिल रही है तो ठीक है, पॉजिटिव जवाब नहीं मिल रही है तो उन पे आपको सोचना है कि हमें पॉजिटिव जवाब नहीं मिल रहा है, मतलब हमने चैप्टर को तो ख़त्म कर दिया है लेकिन हमारे अंदर कोई नॉलेज नहीं आई, तो हमको दोबारा पढ़ना होगा। आई समझ? उसको दोबारा क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ेंगे हम? देखो, सिर्फ किताब के एक्सरसाइज को बनाने से सब चीज़ नहीं हो जाता है। एक्सरसाइज क्या होता है? एक्सरसाइज का मतलब होता है मैं अपने आप को चेक करता हूँ कि हमने जो पढ़ा है क्या वो मेरे से बन रही है, मेरे से बन रही है। पहले थ्योरी पढ़ना होता है, चैप्टर से पहले क्या होता है, थ्योरी होती है, थ्योरी होती है, उससे पहले देखना वो चैप्टर जैसे ही लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन रहते हैं यानी भूमिका, इसको भूमिका कहते हैं। हम भी हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हैं, अभी कोरियन के स्टूडेंट हैं, बाकी पहले मैं हिंदी में पढ़ा, फिर इंग्लिश में, फिर कोरिया में अभी स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, JNU का नाम सुना है ना, JNU का नाम सुना है ना, वहाँ पे मैं BA किया हूँ, वहाँ से कोरियन से BA किया हूँ, है ना। तो कोरियन में हम अभी तो हमारी स्टडी चल रही है, मास्टर्स चल रही है कोरियन में। ठीक है, और कोरिया के टीचर पढ़ाते हैं, हमें इंडियन टीचर नहीं पढ़ाते, कोरिया से आते हैं वही पढ़ाते हैं। तो हम जब 2016 में जब मेरा एडमिशन हुआ इसमें JNU में, फिर हमें यानी वहाँ के रिलेटेड कोरियन कल्चर सेंटर इंडिया है, वहाँ मुझे भेजा गया, वहाँ पे मुझे भेजा गया कि वहाँ पे भी आपको अगर इंटर्नशिप दोगे तो आपको यानी वहाँ के मेंबर बनाया जाएगा। हमको बहुत अच्छी बात है, जब वहाँ पे गए हम तो हमको यानी यहाँ पे 60% में फर्स्ट डिवीजन होता है, आई एम राइट, 60% में फर्स्ट डिवीजन होता है, 70% 80% जो आता है वो टॉप करता है, टॉप करता है। और जब हम वहाँ पे पहुँचे कोरियन कल्चर सेंटर इंडिया में, जब वहाँ पे पहुँचे तो मुझे बताया गया कि आप 70% में पास होंगे, जहाँ पे इंडिया में हम टॉप करते थे, इंडिया के अगर 70% 78-75 आते हैं तो टॉप करता है ना, और वहाँ पे आप पास करेंगे केवल। तो इस तरह के सिलेबस को हमने पूरा कैसे करूँगा, मुझे तो आदत है 60% लाने का, अब यहाँ 70% में पास होगी, कैसे करूँगा इस चीज़ को, मैं कैसे करूँगा? तो इस पर सोचा कैसे किया जाए, तो मैं बहुत सारे टीचर से बात किया वहाँ का, जो किया क्या जाए, कैसे किया जाए। तो हमारी आदत, हम लोगों की आदत क्या होती है, मैथ खोला, एक्सरसाइज है, सॉल्व करना स्टार्ट। मैं जानते ही नहीं हूँ क्या है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज क्या होता है, एक्सरसाइज क्या होता है, उसी पे चले गए हम। पहले तो थ्योरी जानना पड़ेगा ना, थ्योरी क्या है, थ्योरी का मतलब होता है मैथ की बुक है किसी के पास, थैंक यू, जैसे ये हेडलाइंस है, हेडलाइंस है, इसके हेडलाइंस के सामने में ही क्या एक्सरसाइज है, क्या कुछ दिया हुआ है इसमें, क्या दिया हुआ है, ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, परिचय, किस चीज़ का, चैप्टर का, वेरी गुड, चैप्टर का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे परिचय दिया हुआ है, चैप्टर का परिचय दिया हुआ है, फिर वो आपको समझाएगा इस चैप्टर में क्या क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जैसे रियल नंबर, वास्तविक संख्या है ना, रियल नंबर, यहाँ पे कहाँ से क्या शुरू हो रही है, कैसे शुरू हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्या हो रही है, ठीक है। तब लास्ट में आपका ये नहीं एक्सरसाइज आएगी, पहले नहीं एक्सरसाइज दिया हुआ है, लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोग जो हम पढ़े हैं, आप लोग भी तो वही हैं, वही चीज़ करेंगे,
तो एक्सरसाइज डायरेक्ट जाएंगे, नहीं एक्सरसाइज नहीं जाना है। जिस चैप्टर पढ़ाएंगे सर, उससे पहले ये इंट्रोडक्शन को आप इतना बार पढ़ लो, इतना बार पढ़ लो कि सर समझाते समझाते आपको समझ में आ जाए, एक बार बताए समझ में आ जाए। उसके बाद अपने आप को चेक करना है कि हमने जो थ्योरी पढ़ा है क्या हम उस पर सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं सॉल्व कर पा रहे तो खुद से फिर पढ़िए, पीछे पीछे आप पढ़ेंगे अपने आप आपको आइडिया आता रहेगा। क्लियर क्लियर। तो इस तरह का पढ़ाई करना है। आप एग्ज़ाम मार्क्स के पीछे मत भागिए, आप टैलेंट के पीछे भागिए। आप किसके पीछे भागिए? सीखने के पीछे। मैं जो सीख रहा हूँ क्या, तो अपने आप को चेक कीजिए कि मैं आज, आप कॉपी लीजिए उसमें आप लिखिए कि मैं क्या क्या जानता हूँ, मतलब इस किताब में क्या क्या जानता हूँ और इस किताब में कितने चैप्टर्स हैं, उसके नाम क्या हैं, लिखिए। फिर उनको अपने उसको मेमोराइज़ कीजिए, एक बार देखिए। फिर अगर अगर समझ आ रहा है यहाँ पे तो ठीक है, समझ नहीं आ रहा यूट्यूब खोलिए, उसमें यूट्यूब पे उस चीज़ को पढ़िए। यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े सर रहते हैं, उनको पढ़ाते हैं, है ना। और फिर आपको अगर उसमें भी कोई डाउट हो तो आप सर से आइए, मिलिए, उस पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। तो समझना बहुत बड़ी चीज़ है कि क्या पढ़ रहे हैं हम, किस लिए पढ़ रहे हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? तो समझने के लिए पढ़ाई, जैसे पढ़ाई बहुत सारे बच्चों के, हमारे भी सबके प्रॉब्लम क्या हो जाती है, प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि सर हम पढ़ने बैठते हैं ना तो मन नहीं लगता है, होता है ना, किसको किसको ऐसा होता है, किसको किसको होता है कि पढ़ने बैठते हैं मन नहीं लगता है, किताब बंद कर देते हैं। अरे सबके साथ होता है यार, कौन पढ़ना चाहता है, सब कहते हैं आराम से सोए रहें, सब होता है ना, कहते आप लोगों को नहीं होता है, होता है ना, कि जैसे पढ़ने बैठा है एकदम पढ़ने घंटों घंटा पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, ऐसा होता है नहीं होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्या होता है कि वो पढ़ता जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो पढ़ता जाता है, दिन भर पढ़ता रहता है। क्या रीजंस है, पता है रीज़न? कुछ बच्चे पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं उस चीज़ को, पढ़ते रहते हैं और कुछ को दिल नहीं लगता है। रीज़न पता है किसी को? पता है जी, जी बताइए। क्योंकि उनके अंदर कुछ करने का जुनून होता है और वो अपने मुकाम को पाने के लिए उतनी मेहनत करते हैं कि हम पहुंच सके उस मुकाम पे। वेरी गुड, देखो बहुत अच्छी बात बताया आपने, बैठो। जुनून होता है उसमें जी। आई कहाँ से? इसी धरती से आई ना, इसी प्रकृति से आई ना, कहाँ से आई ये जुनून? ये खुद लाना पड़ेगा आपको, कोई टीचर्स आपको कुछ नहीं कर सकता, कोई टीचर्स आपको कुछ नहीं कर सकता। टीचर का काम होता है जैसे रास्ता बताना, बारसो जाओगे यहाँ पे, बाहर जाओ, रोड डायरेक्ट पकड़ो और बारसो पहुँचो, ठीक है, यही काम होता है टीचर्स का, रास्ता दिखाना, है ना। अगर आप रास्ते में चलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा टीचर को भी या आपको भी? जब तक आप बरसों ना जाओगे तो कहाँ पे दिक्कत हो रही है, ये चीज़ चलने के बाद तो पता चलेगी। अब मैंने बता दिया आपको या सर ने बता दिया कि यहाँ से निकलो बरसों जाओ, बरसों पहुँच जाओगे। अगर आप यहाँ बैठे रहे तो क्या बरसों पहुँच जाएंगे आप? नहीं पहुँचेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको चलना पड़ेगा, है ना। जब चलेंगे तब आप फॉल डाउन होंगे, गिरेंगे, फिर आप उठेंगे। तो जैसे ही गिरेंगे सर आपके साथ रहेंगे, ऐसे नहीं बाबू ऐसे करो, ऐसे चलो, ठीक है, ऐसे करो। तो वो सर का काम क्या होता है? आपको संभालना, बस। ये नहीं कि आपको हाथ पकड़ के चलाएं। अगर आपको हाथ पकड़ के चला रहा है कोई सर, या चल रहे हो आप सर के भरोसे हो, जो पढ़ाएंगे वही पे पढ़ेंगे। सर के एक स्टूडेंट नहीं है, सर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो सबको लेके चलना चाहता है। तो अगर आपको ख्वाहिश है कि नहीं मुझे कुछ बड़ा चीज़ करना है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, देन आप कुछ कर पाएंगे, है ना, देन आप आगे बढ़ पाएंगे। आगे पूछिए कोई भी सर, जो भी टीचिंग लाइन में जाता है, टीचिंग लाइन में जाता है, उसका काम आसान नहीं होता है, उसका काम बहुत डिफ़िकल्ट होता है, है ना। आप अगर पूछेंगे तो आपको कभी मना नहीं करेगा। रात में 12 बजे कोई भी सर, हमारे भी सर, कोई भी सर, रात को 12 बजे आप पूछेंगे ना फ़ोन करके कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो वो अपना काम छोड़ के वो पढ़ा आपको बता देगा, क्योंकि वो माँ बाप से ज़्यादा दर्जा रखता है, है ना। इसीलिए उसकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ होती है उस चीज़ में, पढ़ाई में, लिखाई में, आपको बनाने में, अपनी पूरी ज़िंदगी दे देता है आपको, ठीक है। तो टीचर का रिस्पेक्ट भी करना है,
ठीक है, और पढ़ाई ध्यान से करना है। ध्यान का मतलब यह है कि आप घंटों घंटा पढ़ने का मतलब, घंटों घंटा मत पढ़िए, कोई नहीं कहता कि आप घंटों घंटा पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए उस चीज़ को जब तक समझ के पढ़िए, जब तक समझना है तो छोड़ना नहीं है। अब एक ही चैप्टर पढ़ो, एक ही चैप्टर पढ़ो लेकिन समझ के। क्लियर? कोई दिक्कत? और किसके किसके गोल अब तक सेटअप है, मतलब आपने गोल बना लिया अब तक कि हमको ये चीज़ बनना है? हाथ खड़ा कीजिए। तो आपने गोल बना लिया है, आपने गोल बना लिया, क्यों जी? हाँ आप लोग, हाँ बना लिया है। और कोई बना लिया गोल? नहीं बनाया अब तक? आज रात में सोच के सोचना है। पहले देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि खाना क्यों खाते हैं, भूख लगती है खाना खाते हैं। अगर भूख ना लगेगी खाना खाएंगे? नहीं खाना। पढ़ाई क्यों करेंगे? जब पढ़ाई की भूख रहेगी, हमें कोई चीज़ बनना होगा तो क्यों नहीं पढ़ेंगे हम? हमको जब भूख लगेगी तो हम खाना खाएंगे। हमको जब किसी मकाम पे जाना है, कि कहीं पे पहुंचना है, कोई सक्सेस पाना है, तो हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो गोल सबका सेटअप होना चाहिए, और गोल ऐसा नहीं कि आज ये गोल बनाएं कल वो बनाएं। पूरा अच्छे से उस पर विचार करो कि हमको क्या बनना है, हम क्या आसान कर सकते हैं, है ना, हम कैसे कैसे गोल बनाएं कि हम सक्सेस हो जाएं, उस तरह की गोल। और हर जगह चिपकाओ, हर जगह चिपकाओ, जहाँ पे किताब में, जहाँ सोते हो, उठते हो, बैठते हो, और बार बार उसको, उस चीज़ को देखो कि मेरा गोल यही है, मैं सिर्फ यही के लिए बना हूँ, यही गोल है मेरा, यही चीज़ है। जहाँ सोते हो वहाँ गोल बनाओ, वहाँ पे चिपकाओ कि मैं ये बनूँगा। अगर कोई मजाक उड़ाता है आपका, उस पर जरा सा केयर मत करना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मजाक उड़ाते हैं, जब उसका रिज़ल्ट आता है तब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। तो अलग कुछ करने जाओगे तो आपका मजाक उड़ाएगा, तो उस चीज़ को ध्यान नहीं देना है कि जहाँ पे आपको फ़ायदा मिले, अगर आपकी एजुकेशन की बात हो तो वहाँ पे आप खुल के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं बहुत शर्माता था, बहुत जाते ही, लेकिन अब हमको कहीं पे भी 500 की भीड़ में खड़ा होकर मैं स्पीच करता हूँ, 5000 की भीड़ में स्पीच देता हूँ। क्यों? कि मेरी, मैंने अपने आप को देखा कि मैं किस लायक हूँ, उस तरफ बढ़ गया। आपको भी देखना है कि आप किस ढांचे से हो। तो माइंड सबकी एक है, सबकी माइंड, टोटल माइंड जो होते हैं ना, टाइप जो होते हैं माइंड की, 72 टाइप्स होते हैं। The Bluetooth device is ready to pair. 72 टाइप्स होते हैं, ठीक है, कैटेगरी होती है, लेकिन सबके जो पावर होते हैं एक जैसी होती है। कोई भगवान, अल्लाह, गॉड, किसी को अलग नहीं करता है, किसी को ये नहीं करता है कि इसको कम दे दिया, इसको ज़्यादा दे दिया, इसको इक्वली देता है सबको। वो माँ बाप से भी बढ़ के होता है। तो माँ बाप क्या, माँ बाप हमारे एक बच्चे को ज़्यादा देता है, एक बच्चे को कम देता है? तो हम उसके उसके क्रिएटिव हैं ना, अल्लाह के क्रिएटिव हैं, भगवान के क्रिएटिव हैं। तो क्या वो ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। हमारी सोचने की यानी अलग है। अगर हमें कोई चीज़ पे यानी ज़्यादा दिया है तो किसी चीज़ पे कम दिया है, तो आपको खुद से इस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे किस पे दिया है, उसी पे काम करके आप आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। लेकिन गोल सबके पास होनी चाहिए। गोल ना होगी कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक गोल होगी फिर आपकी शिद्दत की पढ़ाई स्टार्ट होगी, आप सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर? तो गोल सबके पास होने चाहिए। सर आप पूछ लीजिएगा कल कि किसके किसके गोल सेटअप हैं, फिर मैं 3 महीने के अंदर आऊँगा, आप लोगों से मिलूँगा मैं। अभी 9th का बैच चल रहा है, 10th का बैच चल रहा है, चलिए मैं आऊँगा जल्दी, ठीक है। मेरा उधर प्रोग्राम है, इसके इस प्रोग्राम के बाद हम आएंगे, ठीक है। फिर मैं जहाँ पे भी पकड़ूँगा वहीं पूछूँगा गोल क्या है ना, गाड़ी रोकूँगा, हाँ जी रुको, है ना, वहीं से डंडा मारूँगा। सबके पास गोल होनी चाहिए, सबके पास विजन्स होनी चाहिए। गोल ना होगी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, गोल, ठीक है। हाँ आप लोग, जी आप लोगों ने कोई नहीं हाथ खड़ा किया, क्यों गोल नहीं आप लोग का? तो क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो? टाइम ख़राब करो ना, मतलब पढ़ाई करके फिर यानी कुछ बनना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है? तो बताना है क्या गोल है आपका, क्या गोल है? अब नाम बताइए पहले, आपका नाम क्या है? रुखसार खातून। रुखसार खातून, क्या गोल है आपका? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं, किस तरह की डॉक्टर? मतलब किस तरह की, मतलब कौन सी डॉक्टर, कोई
सोच के रखे हैं क्या कौन सा डॉक्टर बनना है? नहीं नहीं को, यानी सोच के नहीं रहे, इसको सोचिए कि डॉक्टर हम बनेंगे तो क्यों, डॉक्टर बन के क्या करेंगे आप? सबका मदद। किस तरह का मदद? मतलब फ्री में इलाज कराएंगे? जी फ्री में इलाज कराएंगे, जैसे गरीब होगा उनको, गरीब जो गरीब होगा उनको उनको फ्री में करेंगे, क्योंकि हम जो डॉक्टर बनते हैं तो उनमें बहुत पैसा खर्च होता है, एफर्ट होती है, आपको भी यानी अपनी लाइफ को सेट करना पड़ता है, तो हम सबको फ्री नहीं करेंगे, जो लायक नहीं है मेरे फीस देने के उसको फ्री करेंगे, जो मेरे लायक है फीस देने के कैपेबल है उससे पैसे लेंगे हम, है ना, गरीबों की मदद करेंगे, है ना। और किसी के कोई विजन्स है कोई? हाँ जी आप सर, आप बताओ क्या विजन्स है, आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि हमको मैथ और फिजिक्स में अच्छा सब्जेक्ट लग रहा है। अच्छा, मैथ फिजिक्स अच्छा लगेगा तो इंजीनियर बन जाएंगे? सर। हाँ कैसे, कौन सा इंजीनियर बनना चाहते हैं? इंजीनियर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैकेनिकल। मैकेनिकल। मैकेनिकल, अच्छा। तो इंजीनियर में पता है आपको कोई चीज़, रास्ते पते हैं कैसे कैसे बने जाते हैं? यस सर। क्या? टेंथ क्लास के बाद इंजीनियरिंग में मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री और पीसीएम रखना पड़ता है? यस सर। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद 12वीं क्लास के बाद चेंज हो जाता है, और मतलब इंजीनियरिंग का जो मतलब सब्जेक्ट जो हमको मतलब इंजीनियर बनाए उसी से मतलब रिलेटेड। आईआईटी का नाम सुने? यस सर। क्या होता है मतलब वहाँ इंजीनियरिंग का पूरा ये होता है? हाँ, इंट्रेंस होती है सर। ये 12 के बाद आपका, आपको इंट्रेंस दिया जाता है 12 में, 12 के यानी जैसे 12 करते हैं उसी साल आपको देना पड़ता है, है ना। तो सर, अगर आप उसमें क्वालिफाइड होंगे तो आपको तो आईआईटी कॉलेज, आईआईटी वाले कॉलेज प्रोवाइड करते हैं, है ना। और जो आईआईटीएन होते हैं, आईआईटीएन होते हैं उन्हीं को अच्छी सैलरी में, अभी का जो माहौल है, अभी का जो माहौल है उसी को अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अदरवाइज़ दूसरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो करके अगर इंजीनियरिंग करता है उसकी कोई वैल्यूज़ नहीं, नहीं है ना। तो इंजीनियर बनना है कोई दिक्कत नहीं, जो बनना है वो बनिए, कोई दिक्कत नहीं, इंजीनियर छोटा नहीं होता है, लेकिन आपको अगर मेहनत से आपने पढ़ा और समझ के पढ़ा कोई चीज़ तो आप को अभी भी ऐसे कंपनियां हैं जो गूगल पे खोजता रहता है कि कौन है उस तरह के हमारे कंपनी को चला सके, अच्छे से हैंडल कर पाए, है ना। और कुछ ऐसे भी इंजीनियर हैं यहाँ पे जो वो दर दर भटकता रहता है, हर कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी इस कंपनी में, कभी इस कंपनी में अपना रिज्यूम देता रहता है, चप्पल घिस जाती है, जॉब नहीं मिलती, समझ आए। तो ये टाइम है आपके पास कि आप उसको कामयाब करना है, उसे मेहनत करके, मतलब समझ के। और कोई? हाँ, आपको क्या बनना था? आईपीएस सर। आईपीएस बनना है? आईपीएस क्यों बनना है? आईपीएस सर क्योंकि हमने बचपन से सोचा कि हमें आईपीएस बनना है। आईपीएस बनना है मतलब सोचने का मतलब कि जैसे हम आज चावल खाएंगे, है ना, मतलब मन कर रहा है चावल खाएंगे, मतलब बहुत दिन से चावल नहीं खाए तो चावल खाएंगे आज, yes, है ना। हाँ। तो बहुत दिन से एक रीज़न होती है कोई चीज़, जो आईएएस बनेंगे तो हम क्या, आपके पास क्या रीजंस हैं? सर हमारी मम्मी का सपना था कि हम आईपीएस बनेंगे। मम्मी का सपना, आपका कोई यानी ये नहीं एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है कि हम क्यों बनना चाहेंगे? हमें हमारी मम्मा का सपना पूरा करना है सर, इसीलिए। मम्मा का सपना, देखिए आईएएस बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आईएएस बनना चाहते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। आईएएस बहुत बड़ा चीज़ होता है, आपको पता है आईएएस बहुत बड़ा चीज़ होता है? हम आईपीएस बोले सर। हाँ आईपीएस, सॉरी आईपीएस बहुत बड़ा चीज़ होता है, है ना। जैसे जिस रोड पर निकलता है तो चार गाड़ी आगे चार गाड़ी पीछे, है ना, और कोई भी नेता उसे हाथ नहीं लगा सकता, ट्रांसफ़र कर सकता है, उसको सस्पेंड नहीं कर सकता, है ना, वो बड़ी चीज़ होती है ना। तो उनके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, समझना बड़ी चीज़ है। एग्ज़ाम में आपका क्या नंबर आया ये नहीं देखा जाएगा, आपके अंदर क्या टैलेंट है वो देखा जाएगा, मतलब समझना है किसी चीज़ को, है ना। जिस सब्जेक्ट से आप यानी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को अच्छे से आपको जानना पड़ेगा, है ना, उसी से रिलेटेड इंटरव्यू जो होती है उसकी टफ होती है, है ना। तो उस चीज़ को क्लियर करना है, समझना है, अभी से ही स्टार्ट करना है। तो आप अपने जहाँ पे सोते हैं, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे लिख देना आईपीएस, है ना, वहाँ देखेंगे और सोचेंगे। जब तक आप सोचेंगे नहीं उस पर काम नहीं हो पाएगी। जब सोचते सोचते आदमी क्या होता है, एक कच्चा मिट्टी, जानते हो ना,
कच्चा मिट्टी, उसको जहाँ ढालोगे वैसे होगा। तो ढालने के लिए उसको क्या करना, गोथना पड़ता है, उनको गोथना पड़ता है। वो गोथने के लिए आपको, आपके पास क्या होनी चाहिए, हाथ होनी चाहिए। जब गोथना है उसको, गोथ के वही सोच है, गोथना ही सोच है। जब सोचोगे तो वो ऑटोमेटिकली उस ढांचे में आ जाएगा। तो उसको सोचना है उस तरह की, समझ आया? और आप लोग, और कोई? जी जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंजमामुल हक सर। जी जी, क्या मैं बनना चाहता हूँ? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं? कौन सा डॉक्टर? हाई लेवल का सर। हाई लेवल मतलब सर्जन बनना चाहते हैं? सर्जन ही हाई लेवल होता है, वो चीर फाड़ जो करता है। जी सर। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? मरीजों की सेवा करने के लिए सर। अच्छा, मरीजों की सेवा करने के लिए। जी। तो मरीजों की सेवा तो वो नर्स भी करते हैं? तो मरीज आएगा मेरे पास तो मैं भी उसकी सेवा करूँगा। अच्छा, आप मरीज की सेवा करेंगे? जी सर। है ना, और समाज के लिए क्या करेंगे आप? वो तो आप पैसे कमाने के लिए करेंगे, समाज के लिए? समाज के लिए भी करेंगे सर। क्या समाज का कोई आदमी जाएगा तो उसका फीस नहीं लूँगा? फीस नहीं लेंगे, जो गरीब होगा उसकी फीस नहीं लेंगे। जी सर। अच्छा चलिए, तो अभी आप कौन सी क्लास में हैं? टेंथ क्लास में सर। टेंथ क्लास में? जी। तो अभी आपको कुछ पता है, आपको कैसे की जाती है, इसके इसके लिए तैयारी कैसे की जाती है? इतना तो पता नहीं है सर। इसको इसको क्लियर करना है। जी। ठीक है। यूट्यूब सबसे बड़ा चीज़ होता है। जी। है ना, इस चीज़ को देखो, डॉक्टर कैसे बने जाते हैं, कैसे कैसे इंट्रेंस होती है, क्या क्या पूछे जाते हैं, इस चीज़ को अभी से ही आप टेंथ में, अभी जी टेंथ में है तो अब आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, मतलब आपको वहाँ पे जाने का। जो MBBS के लिए जो एग्ज़ाम होती है वो भी बहुत टफ होती है। जी सर। है ना, तो अभी से ही आपको उस चीज़ को तैयार करना पड़ेगा, तभी आप उसको कर पाएंगे। जी सर। है ना, मेडिकल बहुत टफ होता है। जी सर। उसके वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, बहुत टफ होता है। ठीक है।